सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी राग सुहे चंत महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है घर वाजे शब्द कनेरे राम आवो संत जन हो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है घर वाजे शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई एहनिस जपी सदा सालाहे साच शब्द लेवलाए अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवरण जाने दूजा अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर न जाने दूजा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद भीष्मार अथाह अगनत अतोल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास सवारे खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब।
साहिब जी राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा। आप जीवन पागे हो जो चौथे पातशाह तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया इना वडियाइया दे मालक सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे पवित्र अस्थान श्री हरिमंदर साहब जी तो जो अज जुगो जुग अटल शतर चवर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी ने पावन श्री मुख वाक बख्शिश कीता है उस दी विचार सरवण करन वास्ते पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हजूर आपा सारे हाजरी भर रहे हाँ और जितना समा सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है इस समय नूं सफलाउण दा जतन करिए। अज दा ये पावन श्री मुख वाक जो सूही राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 775 अंग ते दर्ज है। सारिया तो पहला सतगुरु जी ने परमेश्वर दा मंगल दर्ज कीता है एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमात्मा एक है पर वो किसी एक थां ते नहीं रहिंदा वो सारियां थावां ते रहिंदा है। वो सारियां थावां ते रहण वाला परमात्मा सारियां नूं नहीं मिलदा वो केवल उन्हां नूं मिलदा है जिन्हां ते गुरु की कृपा होंदी है। अज असीं बहुतात विच ये शब्द वरतदे हाँ मेरे ते मेरे परिवार ते मेरे घर ते मेरे कारोबार ते गुरु की बड़ी कृपा है और उस कृपा का जिहड़ा स्वरूप है वो केवल दुनियावी धन दौलत है केवल दुनियावी पदार्थ ने यह साडा अपना ज्ञान है ये साढ़े गुरु का ज्ञान नहीं है। दास ने पहला भी एक दिन बेनती की सी कि एक बहुत वड़े एक आगू सज्जन दे नाल दास बैठा प्रशादा छक रहा सी अते उन्होंने बकायदा
एक अंगूठा ते अंगूठे दे नाल दियां दो उंगलियां जोड़ के कहा कि ज्ञानी जी रब दी इन्नी क किरपा होवे ते फिर उन्होंने बाहां खोल के कहा कि इन्ने पदार्थ मिल सकते ने। फिर वो इसनू बदल के कहंदे ने दोवें बाहां खोल के कि जे रब दी इन्नी किरपा होवे ना ते तां जाके ये पदार्थ संभाले भी जा सकते ने और गुरु दी मत लैके परमात्मा दे नाल जुड़िया भी जा सकता है। ये ठीक है कि अज असी गुरमुख बैसो सफा विशाए दे ये जेड़ा साड़ा संगति सिस्टम सी असी इहदे तो दूर हाँ। दस रात भी किते बेनती कर रहा सी ये शब्द हुण केवल ते केवल असी राजनीतक मुखियां वास्ते वरतदे हाँ कि पंथ लीरो लीर हो गया जी, बड़ी पाटो ताड़ हो गई जी। इन्हां मुखियां नूं कहा जावे कि गुरमुख बैसो सफा विशाए। असल विच ये पंगतियां साढ़े वास्ते ने जिन्हां दा मुख गुरु वल है। असी गुरु दे सन्मुख सफा विशा के बैठीए और गुरु दे अगे बेनतियां जोदड़ियां करिए कि सच्चे पातशाह सानू साह मत देहो, सानू ओ बुद्धि देओ, सानू इस तरीके नाल अपना मार्ग दर्शन बख्शो ताकि साडा जीवन सफला हो सके। पर ये गल्लां तां हो सकदियां ने जे असी मन के चलीए कि साढ़े कोल मत दी घाट है। शब्द जरूर पढ़ते हैं कि गुर की मत तू लेहे आने, पर नाल असी दावे भी करी जाने हैं और ये गल दो दो मिनट बाद बोलते हैं। मैं कोई बच्चा थोड़ा तो पुछो इहाने दा भाव की हुंदा है। अर्थ ही ऐसी ये जेड़ा सतगुरु जी ने सानू गुरमत दा विधि विधान बख्शिया वो यो ही सी। ये जड़ियां पंक्तियां ने ना सिख दी परिभाषा वालियां कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ, हर नाम ते आवै उदम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै। इथे इहदे अर्थ ये ने कि फिर वो संगत विच आवे, क्योंकि संगत चटसाल है। ये गुरु दा स्कूल है जिथे सानू डिविनिटी पढ़ाई जानी है, जिथे सानू धार्मिक विद्या गुरु ने आप बख्शनी है। अरदास ते साड़ी रोज दी ये हुई है कि पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। पर पाठ दीदार कीता किसने है? साढ़े चो किन्ने क होणगे जिन्हां ने सहज पाठ कीता है?
ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੂਟ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਖੀ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝਿਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਦੋ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਤ ਚਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
बाकी गल्लां बहुतियां करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि इस गल दा मैनू बहुत कौड़ा तजर्बा है कि बहुतात दे विच जेड़े वीर कथा भी सुनते ने ना, वो एक थर्मामीटर लैके आते ने भी जेड़े कल ज्ञानी जी सी वो बड़े विद्वान सी, जेड़े अज ने यह तो बेचारे एवें ही सी सिफारशी जे लगते सी, पर मैं एक आप जी नूं बेनती करा जे सीखना होवे ना तो गुरु नौवें पातशाह जी का एक उपदेश है कि स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित। हुण सीखना होवे ते घर दे पालतू कुकर तो भी सीखिया जा सकता है, तो जिन्हें नहीं सीखना उन्हें किसी विद्वान तो भी नहीं सीखना। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक अंधा एक ना ला गई ज्यो बांस बजाइए फूक। कुछ लोग ओ ने जेड़े बांस वर्गे बन चुके ने, एक बन्यो फूक उन्होंने कन विच पैंदी दूजे पासों निकल जाती है। अज आप जी जदों ये पूरा शब्द सरवण करोगे कि गुरु रामदास पिता महाराज अज किन्ना त्रुठे ने साढ़े ते, किन्नी दया सतगुरु रोज करदे ने, ये जानदियां होया भी कि मेरे पैरोकारां दे विच भी बहुतात उन्हां दी है जिहड़े सुन छड़दे ने पढ़ छड़दे ने इहदे ते अमल नहीं करदे। सतगुरु जी ने मेहरमत कीती है, गुरु चौथे पातशाह जी का पावन शब्द है, इहदा काव्य स्वरूप शंत है, घर तीजे दे विच इस नूं गायन करन दी सतगुरु जी ने आग्या कीती है, और आरंभ दे विच मूल मंत्र दा इह सब तो छोटा आकार है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कि परमात्मा एक है, एक होके भी वह सारिया थावां ते है, सारिया थावां ते होके भी वह सारिया नूं नहीं मिलता। अगर उसनों प्राप्त करना है तो तुहानूं गुरु की कृपा चाहीदी है, क्योंकि गुर कृपा जिह नरको कीनी तिह ए जुगत पछानी। जिदे ते गुरु कृपा करेगा उन्हों इस तरह की जीवन जाच समझ आएगी कि दुख विच दुखी नहीं होना, सुख दे नाल स्नेह नहीं करना, और जीवन दे विच किसी का डर नहीं मनना, और सोने नू मिट्टी करके जानना है। कीमती तो कीमती पदार्थ होवे सिखा तेरी नज़र विच उत्तुष मात्र होना चाहिए, उदी तेरे जीवन विच पकड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, आवो संत जनो गुण गावे गोविंद कीरे राम। चौथे पातशाह आवाज मार के कहंदे ने संत जनो, हुण इत्थे संत दा अर्थ भाव ओ मनुख जिन्हां ने धर्म नूं अपनी पौड़ी बनाया है, क्योंकि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, जिहड़ा धर्म दियां पौड़ियां चढ़ रहा है उन्हूं सतगुरु जी आवाज मार के कहंदे ने आवो संत प्यारिओ, अकथ की करें कहानी, करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। गल्लां ते बैठ के इत्थे करनियां सी, पर ये गल्लां करन दी थां ते असी दूसरे पासे चले गए, भी खंभ कौन लाउंदा है, लाचियां कौन दिंदा है, अगरबत्तियां कौन दिंदा है, फूक मार के केड़ी चीज कौन दिंदा है। ये अंधविश्वास, ये भरम जाल जिहदी साडे घर विच
बिल्कुल कोई थां ही नहीं है। कदे इन्हां गल्लां दी साडे घर विच चर्चा नहीं सी होनी चाहीदी। साडे घर दा जिहड़ा रस्ता सी ओह इह सी कि आवो संत जनों गुण गावे गोबिंद केरे राम। आओ भाई आपां सारे मिलके बैठिए ते जिहड़ा परमात्मा धरती दा आसरा है, गोबिंद दा अर्थ है जिन्हें धरती चुकी हुई है, क्योंकि आप जी नूं पता है कि